नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी की सरधना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संगीत सोम पर चुनाव प्रचार में दंगों और धन के इस्तेमाल का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि उनके क्षेत्र में एक प्रचार गाड़ी घुमाई जा रही थी जिसमें एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में दंगे के फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया, विरोध करते हुए शिकायत भी की। मामला बढ़ा तो प्रशासन ने विवादित सीडी जब्त कर दी। प्रचार वैन के ड्राइवर और प्रचार की इजाजत मांगने वाले शख्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, लेकिन प्रशासन ने विधायक संगीत सोम पर कोई मामला अब तक दर्ज नहीं किया है। बीजेपी के उम्मीदवार सरधना सीट से संगीत सोम, उनके इलाके में एक प्रचार वैन घुमाई जा रही थी जिसमें यह आरोप है कि दंगे का फुटेज दिखाया गया, साथ ही धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लग रहा है। स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत की तो यह मामला आगे बढ़ा। हालांकि अब तक विधायक पर कोई इस तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। बालकृष्ण, देश की शीर्ष अदालत ये कह चुकी है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना अवैध है, असंवैधानिक है। ऐसे में अब ये मामला बेहद गंभीर यहां से बनता हुआ, एक्शन कोई इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भले ही इस बात को कह चुका है, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीधे नहीं तो परोक्ष तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि वोटों को पोलराइज किया जाए। और संगीत सोम, अगर आपको याद हो तो काफी चर्चित शख्सियत रहे थे मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था, और इस बार भी वो फिर से चर्चा में है। उनके यहाँ से जो सीडी बरामद हुई उनकी गाड़ियों से, उसमें इस तरह के मटेरियल्स हैं जिसकी धर्म जाति के आधार पर भड़काने वाली बातें कही गई, उसकी जाँच की जा रही है। फिलहाल उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उनके ड्राइवर के खिलाफ, इजाजत देने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। हो सकता है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया जाए। लेकिन इस पूरे उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहां जहां पहले फेज में वोटिंग होनी है, वहां पर ये चीजें आने वाले दिनों में और हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वोटों के पोलराइजेशन किस तरफ होता है, किस तरह से होता है, उसी पर वहां का सारा गणित निर्भर करता है। बिल्कुल, लेकिन बेहद गंभीर ये मामला अपने आप में, क्योंकि देश की अदालत एक तरफ कह चुकी है इस मसले को लेकर कि असंवैधानिक है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की गतिविधियां सामने आ रही हैं, अगर इस तरह के एक्शन दिखाई दे रहे हैं जमीन पर, तो ये बेहद गंभीर मामला। यहाँ पर प्रचार में धर्म दंगे के इस्तेमाल का आरोप संगीत सोम पर लगाया, हालांकि विधायक पर कोई केस दर्ज अब तक नहीं हुआ, जैसा हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमें बता रहे हैं। लेकिन ड्राइवर को और प्रचार वैन को जरूर हिरासत में ले लिया गया है। बालकृष्ण लगातार इस पर हमें अपडेट कर रहे हैं। बालकृष्ण, एक अहम बात यहाँ पर और कि जो ये प्रचार सीडी थी इसे तो लेकिन ले लिया गया है हिरासत में, साथ ही ड्राइवर और जो ये वैन थी जो ये प्रचार कर रही थी, किसने इस बात की शिकायत सबसे पहले की और क्या अब तक संगीत सोम की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आया है? नहीं, संगीत सोम की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। लगातार पुलिस ऐसी, आपने लगातार सुना होगा कि पिछले दिनों से गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, कई जगहों पे पैसे पकड़े गए हैं जो कि इस्तेमाल होने के लिए ले जा रहे हैं, तो इसी क्रम में पुलिस ने इसको पकड़ा था। और जब उनको सीडीज मिली भारी संख्या में जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और उन सीडी को जब उनकी जाँच की गई तो उसमें देखा गया कि इस तरह के मटेरियल हैं जिसमें कि मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र है, और इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। शुक्रिया बालकृष्ण आपका इस जानकारी के लिए।